Good morning students. Welcome to social science class. Dear students today we are going to continue our chapter 13. The name of the chapter is Delhi Sultanate. Dear students in our previous video we have done two Sultanate. First Sultanate is slave dynasty and second dynasty is Khalji dynasty. So in this video, we will continue the same topic related to the second dynasty. And in this dynasty, we have done the two rulers. Last ru ruler is Alauddin Khilji. Okay. और इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी उसकी अचीवमेंट्स स्टडी की हैं लर्न किया है और इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे

और उसकी डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर थे वो केवल चार साल तक ही शासन कर सके सरवाइव कर सके और 1320 ट्वेंटी सी ई में जो खलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था खुसरो उसको डिफीट किसने दिया गाजी मलिक ने गाजी मलिक ने उसके साथ युद्ध किया उसको हरा दिया और बाद में उसका मर्डर कर दिया और गाजी मलिक ने हु टुक द नेम ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक और बिकेम द सुल्तान इन थर्टीन ट्वेंटी तो खलजी डायनेस्टी को ख़त्म करके गाजी मलिक ने गसुद्दीन तुगलक़ के नाम से जो सुल्तान की गद्दी संभाली थर्टीन ट्वेंटी सी ई में तो नेक्स्ट डायनेस्टी की शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी यानी खलजी डायनेस्टी का एंड हो जाता है ठीक है और ग्यासुद्दीन जो तुगलक है वो गद्दी पर बैठ जाता है और उसका जो नाम था गाजी मलिक था लेकिन जब उसने सुल्तान का पद संभाला तो वो किस नाम से गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक का रूल है थर्टीन ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फाइव सी ई तक बाकी जो तुगलक डायनेस्टी है उसका जो रेन पीरियड है वो नियर अबाउट नाइन्टी टू का है थर्टीन ट्वेंटी से लेकर 1412 ट्वेल्व तक दिल्ली की गद्दी पर तुगलक डायनेस्टी का राज रहा है और ये नाइन्टी टू तक इन्होंने रूल किया और इसका जो फर्स्ट फाउंडर था वो कौन था ग्यासुद्दीन तुगलक तो तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय ग्यासुदीन तुगलक he rose from an ordinary position to a high position of governor of the frontier province. तो rose यानी कि उसका जो rise हुआ वो एक ऑर्डनरी पोस्ट से किस पोस्ट पर पहुंच गया एक हाई पोस्ट पर यानी कि सुल्तान बनने से पहले वो एक साधारण पद पर था लेकिन गाजी मलिक जो है उसने खुसरो जो लास्ट रूलर था खलजी डायनेस्टी का उसका मर्डर करके एक हाई पोजीशन ले ली एक हाई जो है पद गवर्नर का पद उसका था फ्रंटियर प्रोविसेज पे वो ले लिया उसने ही वॉज़ अ ग्रेट वारियर और उसमें क्या क्वालिटी थी वो एक महान योद्धा था और एक कुशल प्रशासक था एबल एडमिनिस्ट्रेटर ही कंसोलिडेटेड द स्कैटर्ड सल्तनत एंड स्टोर्ड पीस और ऑर्डर गद्दी पर बैठते ही यानी कि जब वो सुल्तान बना राजा बना तो उसने जो सल्तनत पीरियड जो सल्तनत टेरिटरी थी जो इधर उधर बिखरी हुई थी छोटे छोटे टुकड़ों में उनको कंसोलिडेट किया और दोबारा से उस कंसोलिडेटेड एरिया को के अंदर पीस और ऑर्डर को मेंटेन किया ठीक है पूरी कंट्री का जो था ग्रिप उसके कंट्रोल में आ गई जबकि उस उससे पहले पूरी कंट्री में अनरेस्ट और लॉलेसनेस यानी कि बहुत लोग जो थे सफर थे और कोई भी कायदे कानून का पालन नहीं करता था तो इस व्यवस्था को उसने सुधारा और पूरी सल्तनत एम्पायर के अंदर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन किया ही वाज़ अ काइंड रूलर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स ग्यासुद्दीन तुगलक जो था बाई नेचर क्या था काइंड बिल्कुल दयालु था उसने पीजेंट्स की कंडीशन को ठीक करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए बहुत स्टेप उठाए ही इवन विद ड्रू सम द टैक्सेस इम्पोज ऑन देब उसने कुछ जो टैक्स उनके ऊपर लगाए हुए थे इम्पोज किए हुए थे पीजेंट्स के ऊपर उनको हटा दिया ही डाइड इन एक्सीडेंट वैन ए पंडाल सैटा फोर इज वेलकम फेल ऑन हीम जब वो एक युद्ध से युद्ध के मैदान से वापस आ रहा था तो उसके वेलकम के लिए एक पंडाल लगाया गया लेकिन वो पंडाल जो था उसी के ऊपर गिर गया और एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई और यह भी कहा जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था ये एक क्या थी कॉन्सपायरेसी एक षड़यंत्र था और यह षडयंत्र किसने किया उसके ही बेटा ने उसका बेटा था जूना खान ठीक है और उसने अपने ही फादर को क्षड़यंत्र से मार दिया और फिर गद्दी को जो सल्तनत की गद्दी थी सुल्तान की गद्दी उसको टेक ओवर कर लिया ग्यासुद्न तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद तुगलक जिसका नाम क्या था जूना खान ठीक है मोहम्मद तुगलक के नाम से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ़ हिज़ फादर जूना खान टुक द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसका नाम क्या हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक एंड बिकेम द सुल्तान इन थर्टीन ट्वेंटी फाइव सी ई ही वॉज अ लर्न पर्सन और ही अपोज़ द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमास इन द मैटर्स ऑफ द स्टेट जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो मोहब्बत बिन तुगलक ने क्या किया उसने जो उलेमा से धार्मिक लोग जो रिलीजियस पीपल से उनकी इंटरफेरेंस बहुत होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो जो सुल्तान थे वो अकॉर्डिंग टू उलेमाज जो है काम करते थे बट मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे ही गद्दी संभाली तो उसने सबसे पहले उलेमा को जो उनकी इंटरफेरेंस थी उसको ख़त्म कर दिया ही टुक मैनी स्टेप टू consolidate द सल्तनत सल्तनत को मज़बूत बनाने के लिए उसने बहुत सारे युद्ध भी किए ठीक है वह क्या था एक लर्न पर्सन एक विद्वान व्यक्ति था पढ़ा लिखा व्यक्ति था उस जमाने में जो मोहम्मद बिन तुगलक था बहुत पढ़ा लिखा गिना गया ही ट्रांसफोर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी तो उसने क्या रिफ़ॉर्म्स किए सबसे पहला रिफ़ॉर्म किया कि उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी बना ली ठीक है देवगिरी का नाम रख दिया दौलताबाद मुस्लिम नाम है और ये साउथ के अंदर है देवगिरी तो उसने दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की ऐसा उसने क्यों किया टू अवॉइड द फरी ऑफ अटैक्स ऑफ मंगोल्स जो मंगोल्स के कंटिन्यूस जो है अटैक होते रहते थे उनको रोकने के लिए एंड टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑफ द ऑन द डेकन और इसलिए भी ताकि वो जो डेक्कन में सल्तनत एम्पायर है उसको नियंत्रित अच्छी तरीके से किया जा सके बट इन द एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इट कॉज मैनी हार्डशिप्स लेकिन उस वक्त उस ज़माने में लोगों के लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी लोगों को पैदल ही अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे सामान के साथ चलना पड़ा और ये उनके लिए बहुत ही कठिन था बहुत सारी उनको समस्याएं आई मैनी पीपल डाइड ऑन द वे टू देवगिरी और बहुत सारे लोग देवगिरी पहुंचने से पहले ही हार्डशिप को फ़ेस नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई विच वाज नाइन फिफ्टी किलोमीटर अवे और ये डिस्टेंस कितनी थी दिल्ली से देवगिरी की नाइन फिफ्टी किलोमीटर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था और इसको पैदल ही कवर किया पब्लिक ने जिसकी वजह से रास्ते में उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हुई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ गई और ऑन द अदर हैंड हिज एबसेंस फ्रॉम द नॉर्थ एनकरेज फ्रीक्वेंट अटैक्ट फ्रॉम मंगोल्स और दूसरा क्या हुआ उसकी शिफ्टिंग से जो दिल्ली की गद्दी खाली हो गई थी वहाँ पर अब मंगोल्स जो थे लगातार अटैक कर रहे थे आफ्टर फाइव ईयर्स ही ऑर्डर अ रिट्रीट लेकिन पाँच साल बाद उसने फिर दोबारा से एक घोषणा कर दी कि सभी लोग अब दिल्ली वापस जाएंगे देवगिरी से अब सभी दिल्ली वापस जाएंगे अब फिर क्या हुआ विच ए इवन अ ग्रेटर हार्डशिप टू द पीपल्स अब फिर लोगों को वही प्रॉब्लम्स और हार्डशिप फेस करनी पड़ी क्योंकि पैदल सामान के साथ चलना बच्चे बूढ़े सब जो थे उन्होंने शिफ्ट करना था तो पहले वो देवगिरी आए तो बहुत सारे लोग मर गए बहुत सारे जो उनके पशु थे जानवर थे वो भूखे मर गए क्योंकि इतना सारा रसद जो था खाने पीने का सामान नहीं उठा सके क्योंकि घर का भी सामान था और अपना भी वेट तो लोगों के लिए बड़ी हार्डशिप थी अब पाँच साल बाद राजा ने फिर ऑर्डर कर दिया कि अब दिल्ली वापस चलो तो प्रजा को तो ऑर्डर मानना था राजा का तो वो बेचारे जैसे तैसे फिर दोबारा वापसी की तैयारी कर बैठे लेकिन रास्ते में उनको फिर वही हार्डशिप्स का फेस करना पड़ा दिल्ली वंस अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ द सल्तनत अब दिल्ली को फिर दोबारा से सल्तनत की जो है कैपिटल बना ली गई वापसी में भी बहुत सारे लोगों को जो है बेचारे मर गए पशु मर गए और बहुत ज़्यादा जान और माल का जो है नुकसान हुआ मोहम्मद तुगलक वांटेड टू इंक्रीज़ हिज मिलिट्री पावर्स टू कॉन्कर मोर एंड मोर टेरिटरीज मोहम्मद तुगलक क्या चाहता था कि उसकी मिलिट्री पावर्स बढ़े वो उस शक्ति को बढ़ाना चाहता था इंक्रीज़ करना चाहता चाहता था तो उसने क्या किया कवर द लॉस ऑफ़ ऑल प्रीवियस प्रोजेक्ट्स तो मोहम्मद तुगलक के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी क्योंकि उसने दिल्ली से फिर देवगिरी और देवगिरी से फिर दिल्ली शिफ्ट किया तो उसने अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना था ताकि मंगोल्स जो इन्वेड कर रहे थे बार बार उनको रोका जा सके तो उसके लिए भी खर्चा चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा वो टेरिटरीज़ बढ़ाना चाहता था ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स आए और जो लॉस हुआ था शिफ्टिंग से दिल्ली टू देवगिरी देवगिरी टू दिल्ली तो उस लॉस को भी वो पूरा करना चाहता था तो इसके लिए उसने क्या स्टेप उठाया ही इम्पोज लैंड टैक्स उसने क्या किया दुआब के अंदर जो लैंड टैक्स था उसको लागू कर दिया और 50 परसेंट जो था प्रोड्यूस का लोगों को राजा को देना पड़ा द पीजेंट्स हु हैड रिसेंटली सफर ड्यू टू दी वाइड स्प्रेड फेमाइन अब लोग उस वक्त किस समस्या का सामना कर रहे थे दुआ के जो दुआ में प्रजा थी उनको फेमाइन का सामना करना पड़ रहा था फेमाइन क्या सिचुएशन होती है फेमाइन वो सिचुएशन होती है जब बहुत सालों तक पाँच या छः साल या चार पाँच साल जो है रेनफॉल नहीं होती तो रेनफॉल की कमी से कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होती तो खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो जाती है इस सिचुएशन को क्या कहते हैं फेमाइन अकाल तो जब दुआ पर टैक्स लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उसको ये नहीं पता था कि जिस पर टैक्स लगा रहे हैं वहाँ का जो एरिया है वहाँ के जो लोग हैं वो पहले से ही सफर्ड हैं फैमाइन से उनके लिए खाना भी नहीं है प्रॉपर तो वो टैक्स कैसे देंगे और उसने लगा दिया जो भी प्रोड्यूस होगा जो भी फ़सल पैदा होगी उसका फिफ्टी परसेंट जो है राजा को वो देंगे बट पीजर्स जो है वो कोई फसल पैदा नहीं हो रही थी टैक्स ऊपर से लगा दिया तो देवर स्टंड बाय द ऑर्डर वो इस ऑर्डर से राजा के ऑर्डर से क्या हो गए बड़े हैरान हो गए स्टंड क्या होता है शॉक्ड हो गए मैनी फार्मर्स गेव कल्टिवेशन अब फार्मर्स रिवोल्ट तो कर नहीं सकते थे राजा के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे तो उन्होंने क्या किया गेव अप अप क्या होता है छोड़ देना तो उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया एंड दियर लैंड ले बैरन अब उनकी जमीन जिसके ऊपर पहले अकाल पड़ा हुआ था अब वो बंजर जमीन में बदल गई दिस प्रोजेक्ट आल्सो एंडेड इन एन अटर फेलर सेकेंड जो प्रोजेक्ट सेकेंड जो उसने योजना लागू की थी वो भी उसकी फेल हो गई जबकि वो क्या था एक लर्न पर्सन था वेल well एडमिनिस्ट्रेटर था तो फर्स्ट प्लान उसने जो बनाया शिफ्ट की कैपिटल वो भी फेल हो गई अब उसने एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया तो वो भी फ़ेल हो गया तो लोगों की नज़रों में उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो कम हो गई क्योंकि राजा अगर जो डिसीजन लेता है बिना सोचे समझे तो उस राजा की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो राजा ने बिना वहाँ की सिचुएशन को जाने लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज़ कर दिया और टैक्स भी उस कंडीशन में लगाया जब उनके पास कुछ पैदा ही नहीं हो रहा था उस टाइम राजा की क्या ड्यूटी थी कि राजा उनको फूड प्रोवाइड करवाता उनको खाना अवेलेबल करवाता ठीक है फैमाइन की कंडीशन में राजा की ड्यूटी होती ना प्रजा की जो है सोशल वर्क्स जो है पब्लिक वर्क्स वो करना बट उन्होंने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया तो लोगों का जो ट्रस्ट था राजा के ऊपर वो कम हो गया और उसकी फेलर से वो एक तरह से फुलिश एक मूर्ख राजा सिद्ध हो गया वैन मोहम्मद तुगलक रियलाइज हिज मिस्टेक्स जब तक उसको अपनी गलती का एहसास हुआ ही नॉट ओनली वी डू हिज ऑर्डर बट आल्सो एक्सटेंडेड हेल्प टू दी फार्मर्स टू रिज्यूम कल्टीवेशन तो जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्या किया जो उसने शाही फरमान जारी किया था टैक्स का वो वापस ले लिया विद क्या होता है ख़त्म कर देना वापस ले लेना ठीक है और उसके बदले में किसानों की उसने हेल्प की ताकि उनकी खेती बाड़ी अच्छी हो सके तो जो तुगलक डायनेस्टी में ना सबसे ज़्यादा जो कैनल्स थी और जो वेल थे कुएँ खुदवाए गए थे सिंचाई के लिए ठीक है तो फेलर ऑफ हिज प्रोजेक्ट एम्पटिड हिज ट्रेजरी अब टू प्लान उसके फेल हो चुके थे अब इन प्लान की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जो ट्रेजरी थी ट्रेजरी क्या होता है खजाना जो शाही खजाना था वो खाली हो गया ही देन थाट ऑफ इशूइंग टोकन करेंसी तब उसने क्या डिसीज़न लिया कि वो एक टोकन करेंसी लागू करेगा किसकी जगह पर कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर कोइंस सिल्वर कोइन की बजाय वो किस करेंसी को मार्केट में लेके आएगा कॉपर करेंसी को बट ड्यू टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ काउंटर फीट कॉइंस काउंटर फीट क्या होता है नकली जब राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि चांदी के सिक्के की बजाय कॉपर के सिक्के से बाजार का काम चल सकता है तो कॉपर तो एक बहुत सस्ती धातु थी एक मेटल होता है ये भी और अवेलेबल था इजीली तो लोगों को तो मौका मिल गया उन्होंने क्या किया नकली जो कॉपर के कॉइन बनाने शुरू कर दिए बाज़ार में क्या हो गया जो काउंटर फीट कॉन्स थे क्योंकि जो कॉइन राजा बनवाता था तो उसके ऊपर अपनी स्टैम्प लगाता था तो लोगों ने तो नकली जो है काइंस बनाने शुरू कर दिए तो बाजार में जो नकली सिक्के थे और कॉपर के जो कॉन्स थे उनके ढेर लग गए उनका सर्कुलेशन शुरू हो गया ही हैड टू विदड्रॉ हिज ऑर्डर और आस्क द पीपल टू एक्सचेंज दियर कोइंस विद सिल्वर कॉइंस अब यहाँ पर जो थर्ड प्लान था उसमें भी वो फेल हो गया लोगों ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए ठीक है तो उससे क्या हुआ महंगाई बढ़ गई लोगों के पास ढेरों सिक्के थे कॉपर के तो उसको ये भी प्लान और ये भी ऑर्डर वापस लेना पड़ा विद्रॉ करना पड़ा और लोगों को बोला कि वो अपने जो है कॉपर कॉइन देकर सिल्वर कॉइन ले जाएं क्योंकि ये जो काउंटरफिट कॉइंस थे या मार्केट से जितना भी बाज़ार में कॉपर का जो करेंसी थी उसको ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया लोगों से कॉपर कॉइन ले लिया और उनके बदले में उनको क्या दे दिया क्या एक्सचेंज किया सिल्वर कॉइंस तो इससे क्या हुआ हैवी लॉस टू दी रॉयल ट्रेजरी जो शाही खजाना था उसको भारी नुकसान हुआ मोहम्मद तुगलक वाज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स मोहम्मद तुगलक के इन कार्यों से क्या हुआ कि वो एक मूर्ख राजा के नाम से इतिहास में जाना गया कि इतना पढ़ा लिखा इंसान भी जो है वो अनपढ़ों की तरह उसने कार्य किए तो उसे इतिहास में हिस्ट्री में क्या बोला जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख तो मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स था बिल्कुल विरोधाभास था उसका लाइफ ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर एक तरफ तो वो एक विद्वान था ठीक है अपोजिट क्या होता है यहाँ स्कॉलर है और उधर से फेलर भी है तो वो वि, विरोधाभासों का मिश्रण था बट लैगड कॉमन सेंस उसमें कॉमन सेंस की कमी थी बट वो ग्रेट स्कॉलर था एजुकेटेड था पढ़ा लिखा था ही वाज हार्श वह बहुत कठोर था एज वेल एज लिबरल और उसी तरह वो दयालु भी था अगर वो कठोर नीतियाँ बनाता था साथ में ही वो तुरंत जो था विड्रॉल कर लेता था और वो दयालु भी था जैसे किसानों की उसने हेल्प की पीजेंट्स की पहले तो उसने हार्शली जो है टैक्स इम्पोज कर दिए फिर जैसे पीजेंट्स रोए और परेशान हो गए उन्होंने गेव अप कर दिया तो फिर उसने उनको हेल्प भी की तो उसकी जो करैक्टर था लाइफ का वो बिल्कुल अपोजिट था During his last days, he had to face many rebellions in different parts of his सल्तनत ठीक है during his last days, यानी अपनी लाइफ के अंतिम दिनों में उसको बहुत सारे rebellions क्या होते हैं विद्रोह जो सल्तनत में बहुत सारे विद्रोहों का उसको सामना करना पड़ा नेक्स्ट है डू यू नो डू यू नो में ट्रंक ट्रॉकनक्रेसी के बारे में बताया है टोकन करेंसी इज़ वन इन विच द फेस वैल्यू ऑफ ए कॉन इज़ मच हायर दैन इट्स मटैलिक वैल्यू यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कॉन के ऊपर लिखा हुआ नंबर है मान लो एक रुपये का सिक्का है दो रुपये का सिक्का है या पाँच रुपए का सिक्का है तो उस एक कोइन की वैल्यू जिस मेटल से वो कॉन बनाए उस से ज़्यादा होती हैं यानी जिस मेटल से बना उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितना उसके ऊपर नंबर डाला होता है तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो कोइन की मेटैलिक वैल्यू से ज़्यादा होती है एग्ज़ाम्पल है इन केस ऑफ वन रुपी सिल्वर कोइन यानी एक रुपये का सिल्वर कोइन है और उसकी वैल्यू जो है इक्वल टू वन रुपी और उसकी जो सिल्वर की वैल्यू है वो एक रुपये के बराबर है इफ़ यू कम्पेयर द वैल्यू ऑफ ए रूपी और अगर हम उस रुपये की वैल्यू करें तो इट मच लेस देन ए रूपी ठीक है सो इट इज़ टोकन मनी तो इसे ही मुद्रा या सिक्के की करेंसी कहा जाता है कि अब सिल्वर जो है वो रिसोर्स जो है बिल्कुल मेटल जो है वो महँगा है कॉपर उसके तुलना में सस्ता है तो सिल्वर के कॉइन पर भी एक रुपया लिखा है तो कॉपर पर भी एक रुपया लिखा है ठीक है तो वो मेटल जो है सिल्वर महंगा है कॉपर सस्ता है बट उनकी दोनों की फेस वैल्यू क्या है सेम तो ऐसा जो है उसने किया तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन गुड बाय